लेकिन ममता बनर्जी में वो हिम्मत अभी नहीं आई है ये चीज माननी पड़ेगी। और शायद यही कारण है कि ममता बनर्जी एग्रेसिव राजनीति की तो है लेकिन वो बहुत शूट राजनीति की नहीं बन पाई है। अपने आप को एक छत्तर के रूप में उभार ले जाना बिल्कुल अलग चीज होता है लेकिन सबको जोर ले जाना विपक्ष के तौर पर ये बहुत मुश्किल चीज होता है। और वैसे राजनीति जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे केशव सिन्हा को खुद अपना कैंडिडेट करा के और बैकफुट पे आ गए उपराष्ट्रपति के चुनाव का हम लोग याद करें कि उसमें न्यूट्रल हो गए तो इस तरह का कदम उन्होंने तुरंत उठा लिया क्योंकि वो ये तुलना ही गलत होगा वो लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव का क्या जेल तक चले गए वो भी दूसरे सुबह हो सकते थे एक बार उसमें अगर एंट्री मार जाते थोड़ा सा अगर डर उसका भी हो जाता बहुत सारा चीज का विकट बदल जाता लेकिन लालू यादव की पॉलिटिक्स बिल्कुल ही अलग रहेगी और वो लाख उनकी शिकायत कर रहे हैं लेकिन आप इस पे कहीं नहीं कोई जोर आ नहीं हो सकती है कि लालू प्रसाद यादव जिस एजेंडे को लेकर चले उस एजेंडे पे आज भी काम है लेकिन ममता बनर्जी के साथ ऐसा नहीं। नीतीश कुमार के साथ यह है कि वो बहुत मशहूर पॉलिटिक्स है वो अपने हिसाब से डील करते हैं चीजों को वो जब चाहते हैं भाजपा के साथ हो जाते हैं जब चाहते हैं भाजपा लेकिन भाजपा उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है अभी तक की स्थिति ऐसी है। जब हम बात करते हैं ममता बनर्जी की तो ममता बनर्जी खुद को बहुत एग्रेसिव पॉलिटिशियन के रूप में सामने रखती है अपने एग्रेशन के बल पे अग्रेशन को दिखाई कि हम नरेंद्र मोदी से पंगा ले रहे हैं और बंगाल की शेरनी और जो जो सीटें उनको नवाजा गया ये सारी चीजें हुई लेकिन जैसे ही शिकंजा कसा जो बीजेपी सरकार की हम कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो भले ही वो बात जो कह रहे थे 100 नरेंद्र मोदी है 101 पे है तो अमित शाह के लिए नरेंद्र मोदी साहब ही है आदमी वो उसी एंगल पे चल रहे हैं और वहां पे अब उनकी तारीफ करना उनकी मजबूरी है लेकिन जब यही हम बात इसलिए कर रहे हैं कि इस चीज को वो जब भी चाहेंगी जब भी इस तरह का माहौल बनता है तो वो अपने आप को अलग कर रखेंगे वो ये नहीं दिखाना चाहेंगे कि हम कांग्रेस के साथ जा रहे हैं वो कांग्रेस के साथ जाने के लिए जहां भी ये शो कर देंगे तो वो फंस जाएंगे और उनको से निकलना मुश्किल हो जाएगा उनके तमाम पार्टी नेता को और उनको तो इस तरह से वो कभी नहीं छोड़ सकते। और नीतीश कुमार की कांग्रेस ने जीत किया जब वो खुद को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट करने की मुहिम शामिल है तो कांग्रेस की नजदीकी बढ़ाएगी क्योंकि अखिलेश यादव ने लगातार उनके लिए साफ कर दिया है भाई आप आइए तो हो रहा लेकिन अरविंद केजरीवाल हूँ ममता बनर्जी हूँ शरद पवार हूँ या फिर केसीआर हो इन सब लोगों से अभी आप एक बार में उम्मीद नहीं कर सकते कि ये सब लोग एकजुट इतनी आसानी से हो जाएंगे और वो एक ऐसा माहौल होगा जब लगता रहेगा बिल्कुल कि 99% जब लगने लगेगा ममता बनर्जी को कि हाँ ये जो कुलबा है काफी मजबूत हो गया है इधर जुड़े रहने से आपको फायदा होगा तभी उनका बयान फिर आएगा जो आना होगा क्योंकि अभी तक वो बिल्कुल इसी रास्ते पे चलेंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सब कुछ है वो ईडी और सीबीआई का उपयोग नहीं करते हैं और भाजपा और एनडीए ही सब कुछ है तो जो उनकी छवि है ना एग्रेसिव पॉलिटिक्स की वो अगर ये नहीं दिखेगी तो ये भी चाहिए राहुल कि फिर ममता बनर्जी भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएंगे। मायावती खत्म हो गई उत्तर प्रदेश में और उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि मायावती की जो पॉलिटिक्स थी वो पॉलिटिक्स जैसे ही सीबीआई का शिकंजा कसा धीरे 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 वो बोल्ड होता चला गया और आज के डेट में मायावती की पॉलिटिक्स। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।